Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So today we are taking up the next question from GS1 history from the year 2022. So question is, why did the armies of British East India Company, mostly comprising of the Indian soldiers, they win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? So we have to give reasons about this. So introduction mein I wrote ki the British East India Company did not maintain its own dedicated army, rather ek private military force thi jisko they called the company's army, and it consisted of both European officers and the Indian sepoys. Then first point mein effective leadership aur jo training thi that proved successful. So usme it comprised of the European elements and they brought in discipline, modern tactics and organizational skills. And through this, they could gain edge over the armies of the local rulers. Second, mein technological advantage jo tha, ek wo point ho gaya. So iske wajah se they had better understanding of the European military techniques and also put them to effective use in the battlefield also. So this proved a gain over the numerical and the equipment advantage of the Indian rulers' armies. Third, ho gaya, unified command and control tha. तो जो इंडियन रूलर्स की बात करें तो दे हैड टू फेस डाइवर्स जो लोकल चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफन लीडिंग टू कंफ्यूजन लाइक सिचुएशन. फोर्थ पॉइंट में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड राइवलरीज थी रीजनल किंगडम्स के बीच में, उसकी वजह से भी अटेंशन डाइवर्शन हुआ एंड ब्रिटिशर्स दे टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड उन्होंने भी खुद अपनी लोकल अलायंसेस बनाई. तो इसके थ्रू बेसिकली उन्होंने जो इंडियन रूलर्स था उनको वीकन करने की कोशिश करी. लास्ट में लॉयल्टी ऑफ जो सिपॉयज थी फॉर बेटर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेनिंग इन एक्सचेंज ऑफ शेयरिंग जो उनकी खुद की लोकल नॉलेज थी अबाउट द लोकल टेरेन एंड द कस्टम्स, वो भी ब्रिटिशर्स को हेल्प किया. सो स्टेटस को चेंज हुआ जब आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन इट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. तो अभी तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चल रहा था सब कुछ. बोले प्रवेश, मैं लास्ट में नहीं ओशिक पहले तुम बोलो. ठीक है. तो इसमें बात हो रहा है ना कि व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंपनी इंडियन सोल्जर. ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो आर्मी में न्यूमरस थे, मतलब कि ज्यादा अमाउंट, ज्यादा नंबर में लोग थे और बेटर इक्विप्ड थे. बोल दिया पहले से बेटर इक्विप्ड थे. तो सेकेंड जो पॉइंट लिखे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, तो मुझे लगता है बेटर इक्विप में वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहे. मतलब बोल रहे कि बेटर इक्विप भी थे और आर्मी का नंबर भी ज्यादा था लेकिन तब भी वो हार रहे थे लगातार. तो आप बाकी जो लेके आए इफेक्टिव लीडरशिप सही है, उसके बाद फिर आप लेके आते हैं नेशनलिज्म से कुछ एक वर्ड लेके आते. आपने लिखा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, तो उसमें वर्ड नेशनलिज्म एक लेके आते नहीं था, मिसिंग था उसमें. यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल वो भी ठीक है. लॉयल्टी ऑफ सिपॉयज फॉर बेटर इकोनॉमिक एंड इंसेंटिव, तो आप मशीनरी के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कैसे मशीनरीज था और वो बाकी सब काम कर रहे थे. ठीक है, मतलब जस्टिफिकेशन लग रहा है मुझे कि रीजन ऐसा. और यहाँ पर ना मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट में इशू आ रहा है, ये लॉयलिटी वाला. मतलब यहाँ पर ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सिपोही बनते थे कंपनी के अंडर सिर्फ वही लॉयल थे. नहीं नहीं मतलब वो पॉइंट मतलब नहीं, इंडियन लोग लॉयल होते हैं, इंडियन लोग लॉयल होते हैं. और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हमारे जो उस टाइम के फौजी रहे होंगे वो अंग्रेजों की फौज से ज्यादा लॉयलिटी अपने राजा के लिए होती होगी. मतलब उस टाइम पे लॉयलिटी तो हाँ, मतलब मैं बोलना चाह रही है कि लॉयल्टी सिपॉय का था. मतलब हाँ, मतलब वर्ड को समझ गए तुम बात में ऐसा क्या लिखते कहना चाह हाँ रहे हाँ हाँ मतलब हाँ वो ऊपर में आया था. हाँ ठीक है ठीक पर है, बाकी तो ये एंड बोलना चाह रहे हैं ना कि इंप्रूव. हाँ अब बोलते बेटर करियर अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द सिपॉय एंड द ब्रिटिश इंडिया, तो खाली लिखने की अगर जरूरत मैं नहीं लॉयल्टी लॉयल्टी. ऑफ सिपॉयज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती तब मेरे को हाँ समझ आता जो प्रवेश में. लेकिन लॉयल्टी वर्ड जरूरत नहीं था. मतलब सिंपल लेते हैं बेटर मतलब करियर नहीं जब मैं प्रॉस्पेक्ट और आंसर लिख रहा था इकोनॉमिक. ना तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार इंडियन जो होते हैं बड़े लॉयल होते हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि मतलब राजा के लिए तो लॉयलिटी ज्यादा होगी ना मतलब कंपनी के मुकाबले. वो वो का फ्रेगमेंटेशन में आया था. हाँ ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भी तो थे ना, उनकी तो लॉयल्टी फिर तो रहेगी, उन्हीं की तरफ रहेगी. अब वो वहां पे लेकिन रहके क्वेश्चन इंडियन क्वेश्चन रूलर्स मानसी ये कह रहा था ना कि मतलब उन्होंने तभी ब्रिटिश हारे ईस्ट इंडिया क्यों. कंपनी के सपोए थे, वो बेटर इक्विप भी नहीं थे, न्यूमरस भी नहीं थे, तो मतलब क्या चीज उनमें ज्यादा थी? तो हाँ लॉयलिटी तो मतलब उनमें ज्यादा होनी चाहिए ना रूलर वालों में. अरे लेकिन जो ठीक है, सपोए देखते आगे ब्रिटिशर्स के फिर. साथ थे वो भी तो उनकी तरफ ही लॉयल रहेंगे ना.
क्योंकि उनको जो और उनके सामने जो बेनिफिट्स थे वो एक रीजन हो सकता है उनकी लॉयल्टी का। आप थोड़ा एक बार आगे इमोशनल जाते हैं टेस्ट और प्रवेश का भी बैक। देख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे पॉइंट किसका लॉयल ज्यादा ठीक है। है। हाँ, ब्रिटिश है सो क्रिएटिव इमेजिनेटिव वन थिंकिंग फॉर लॉन्ग इम्पैक्ट विथ यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन वॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन मेंटेनिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया। पता है आपका जो आंसर पढ़ते हैं ना, तो एक सांस से पूरा नहीं होता, एक सेंटेंस दो बार सांस लेना पड़ता है, तो मतलब से ब्रेक हो जाता है, तो आप थोड़ा छोटा लिखिएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट अमंग ब्रिटिशर, ठीक है, वॉर टैक्टिक्स दे यूज इंटीग्रेटेड सेपरेटेड इन डिफरेंट रीजन। तो आप वॉर इतना समझाए ना, बोलते कि बेटर वॉर टैक्टिक्स एंड डिप्लोमेसी शोकेस्ड बाय द ब्रिटिशर टू डिवाइड टू फॉर टू यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स। ऐसा लगता सिंपल आपने एक्सप्लेन किया जाता, टेकिंग एडवांटेज ऑफ कम्युनल टेंशन बिटवीन पीपल, एग्जाम्पल कार्टिलेज, बिग फैक्ट, प्लंडरिंग द वेल्थियर एरियाज एंड यूजिंग द वेल्थ एंड एडवांसेस, मिलिट्री डिप्लोमेसी डिसिप्लिन विद रेगुलर सैलरी, जिक्र गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर उसमें तो नहीं थे। इसमें तो नहीं थे, इंग्लिश में, इंग्लिश में तो प्रॉपर वॉर है कि आप वहां से लड़ो मैं यहाँ से लड़ता हूँ, आर्टिलरी यूज करते हैं, वो तो मराठा से और बाकी लोग यूज करते हाँ, गुजरात उस वॉरफेयर। टाइम की बात कर द मेन टैक्टिक्स यूज बाय ब्रिटिश टू फोकस अपॉन रहे लैक हैं। ऑफ यूनिफिकेशन अमंग द रीजनल किंगडम, लैक ऑफ नेशनलिटी फीलिंग। हाँ, अभी आया आपका मेन पॉइंट लास्ट में आया कि लैक ऑफ नेशनलिटी फीलिंग और रीजनल किंगडम वो पहले लेके आए थे। कुछ बोल रहे हैं मानसी, आप मानसी कुछ सचिन बोलना क्या आप। कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, आपने बोल दिया। ठीक है, सचिन कुछ कह रहे थे। हाँ, उसी के पॉइंट की कह रहा था, ठीक है ना। ठीक है। प्रवेश, आपको कुछ बोलना है? नहीं, मैंने समझा दिया बेसिक एग्जांपल लेकर के, टीपू सुल्तान का आर्मी अच्छा था, न्यूमरस ट्रूप थे लेकिन वो मर चुके। ये सेम चीज हुआ एंग्लो मराठा में भी और एंग्लो सिख में भी, जहां पर मराठा सिख दोनों हार गए। क्यों? रीजन मैंने बता दिया कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, तो यहाँ ऑफ नेटिव रूलर लिखना चाहिए था। The inward looking attitude, harmonious command structure of British, less focus on navy, feudalistic mindset of rulers, native ruler होना चाहिए था, far superior diplomacy of English। तो मैंने फिर explain कर सबको, जिकर सब एक एक point explain है सबका, कि strategic blunder by Marathas were not aligned with Mysore, okay, mutual rivalry कारण, lack of nationalism among the native troops, thereby ready to fight among each different kingdom, feudalistic mindset of command structure of native troops, undermining the tech innovation and reforming fighting tactics. Navy, naval forces, native forces except Tipu Sultan did not focus more on navy superiority, which made them weaker at seas. Use of tactics like divide and rule the Britisher, like subsidiary alliance, ring fence policy, preventing them from allying. Britisher command structure were homogeneous middle class entity, unlike royals of natives. Thus, the loyalty and sentiment of brotherhood prevailed among the British. ये बस 6 पॉइंट। यहाँ पे आप 2.2 बोल रहे। चलो मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि जो इंट्रोडक्शन था फिर वो मतलब स्पेसिफिक हो गया। आपने सिर्फ मैसूर वॉर और इसी रीजन की बात करी, तो इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए और ये थोड़ा लेंदी भी हो गया। उसके अलावा ये जो चार्ट है ये ठीक है, काफी अच्छा, मतलब पॉइंट्स एक ही जगह दिख जाते हैं सारे जिसके आप बात कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक ब्लंडर बाय मराठास की बात करी आपने, फिर से मतलब टीपू सुल्तान की आपने पहले भी बात करी थी, यहाँ फिर से आपने टीपू सुल्तान की बात की। उसके बाद में कोई समझ ना, लैक ऑफ नेशनलिज्म अमंग द नेटिव ट्रूप्स देयर बाय रेडी टू फाइट अमंग द डिफरेंट आपस किंगडम, में लड़ रहे थे ना, एक प्रॉपर नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट नहीं था कि भारत एक कंट्री है, एक होना वो चाहिए, तो ऐसे टाइप वैसे यूनाइटेड नहीं थे वो आपस लोग। में लड़े। हाँ, ऐसे ठीक टाइप, तो लैक ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म लिखते हैं, नेशन स्टेट। हाँ, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन द हाँ। माइंड ऑफ द नेटिव पर्सन। बाकी ठीक है, अच्छे पॉइंट्स है, मतलब बोले ये से थोड़े से फ्यू प्रवेश पूछो। माइंड सेट। फ्लो चार्ट से ऊपर जो आपने लिखा ना अभिषेक, हाँ यार उसको मतलब उसकी जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इसमें मतलब लिखा हुआ था ना कि मुझे लगा कि आर्मी ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैसे जीतते, तो मैं सोचा कि एग्जांपल समझा दूं कि ऐसे जगह में जीते क्यों, फिर मैंने एग्जांपल बता दू।
हाँ डायरेक्ट तो स्टार्ट मतलब कर वैसे सकते थे। फिर मानसी वाली बात हो गई ना कि एक ही जगह थोड़ी जीते थे, वे तो बहुत जगह जीते थे। हाँ और दूसरा ये कि मतलब मैं अगर 4 पॉइंट्स में इस आंसर को जस्टिफाई करूं तो इट इज हाईली एनरिच्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल बट लेस सिंपल एंड मोर टेक्निकल। मतलब औशिक एग्जाम्पल इतने फिर ज्यादा लिख देता है ना, हर पॉइंट में हर चीज को सब्सटेंशिएट करता है विद ठीक है मैं एग्जाम्पल। इसको, और जबकि मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे और लिखने का मन था मैं ऑप्शन के हिसाब से, तो मैंने इसको और ठीक और दो और छोटा कर, सिंपल ऊपर वाला नहीं रहता ना, तो मुझे और फैला देता, बहुत सिंपल। हाँ, अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स तो और पेज नंबर 2 पे ही आए हैं, सब कुछ इसको सेकंड पे आ गया, इंट्रोडक्शन और मतलब स्टार्ट है। फर्स्ट तो फर्स्ट तो मैंने एक सिंपल की, मुझे लगा कि सामने जो पढ़ता है तो गो थ्रू जल्दी कर दे, तो इसलिए मैंने चार्ट से जो जल्दी से पॉइंट देख ले, चार्ट में कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बनाना तो सही है। स्पेसिफिक एग्जाम हो शुरू में एग्जांपल जाए। छोटा हाँ कर देते कि ये डायरेक्टली छोटा बोल कर देते, दिया तलाशी अभी तक अगर ये। से लेकर के डायरेक्टली बोल देते कि सब जगह हारा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब आप क्वेश्चन भी आप आंसर समझा दीजिए, प्रवेश हाँ मैं आपको बोलता हूँ ये कि भाई फोटो मैंने सिंपल पीछे इंट्रोडक्शन दिया 3 लाइन की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर साइडेडनेस था कि इंडियन मैवन पावर को सोल्जर के रूप में यूज किया जाए अपने इंडिया का कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। तो रीजंस क्या थे विक्ट्रीज के, भाई ट्रेंड किए गए थे मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स में कंपेयर टू ट्रेडिशनली ट्रेंड सोल्जर्स ऑफ इंडियन रूरल्स, क्योंकि वो तलवार और भाले ही फेंकते थे, ये बंदूकें भी चलाना जानते थे। हाँ यूनाइटेड थे, कमांडेड थे इन अ कोडिफाइड फ्रेमवर्क, बढ़िया सा मतलब इनका ड्रेस कोड था, सब कुछ था। उसके बाद एडहेरेंस टू अवार्ड्स एंड पनिशमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, डिसिप्लिन था, सेंस ऑफ अचीवमेंट थी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन था। उसके बाद अगले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि ये इक्विप्ड थे मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट से, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से काम करते थे, अनकन्वेंशनल अगर सिचुएशन आए तो उसको किस तरीके से डील किया जाता था वो इन्हें पता था। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर्सनैलिटी सी लाइक क्लाइव हास्टिंग, जो नेशनल प्राइड से ड्रिवन थे, कमर्शियल गेन से भी थे, जिसने की पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस जो है सोल्जर्स के अंदर बढ़ाया। तो इस तरीके से मैंने कंक्लूड किया कि हिस्ट्री ने साबित किया है कि एक युद्ध जीतने के लिए खाली मैन पावर ही पर्याप्त नहीं होता, मतलब रिक्वायर्ड इज द राइट अप्रोच एंड द मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। इसको क्या थोड़े हाँ समय देखिए सिमिलर सिमिलर पॉइंट्स लग रहे हैं, नहीं एक तो नहीं नंबर हाँ हाँ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मैं सी बता है। रहा था, फिर आप बता देना, आप इसको ठीक सेकेंडर कर देना। देखिए पहला आपने बताया कि ट्रेन मॉडर्न आपको सही है, पहला पॉइंट अच्छा लगा मुझे। सेकेंड में बताया यूनिफॉर्म कमांडेड कोडिफाइड फ्रेमवर्क है ना, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, मतलब आप बता रहे थे कि उसका जो सिस्टमेटिक कमांड है ना होमोजीनियस था, मतलब एक वर्ड लेते हैं, समझ रहे ना कि थोड़ा टेक्निकल हुआ। हाँ समझ गया मैं, थर्ड में मतलब लिखा हुआ है सिंपल कि वर्ड। हाँ स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू अवार्ड एंड पनिशमेंट, ये पनिशमेंट तो नहीं होता था क्या टीपू सुल्तान और उसमें हैदर अली के समय में, कि भाई आप जीतोगे तो आपको ये मिलेगा, हारोगे तो, वैसे तो आप जस्टिफाई नहीं किए थर्ड का पॉइंट। हाँ मतलब ये फोर्थ इतना पॉइंट नहीं, अच्छा मतलब हाँ अवार्ड्स एंड पनिशमेंट से बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मतलब राजा की जो आर्मीज थी उनमें ये होता था कि मतलब इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट एडेरेंस नहीं था उसमें, नेपोटिज्म चलता था कि भाई तू मेरा भाई है तो मैं तेरी सजा बचवा दूंगा, लेकिन हाँ तो वहां पर लेके नहीं आते, था नहीं ना लेके आए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके नहीं आर्मी आए के ना, तो अंदर। नेपोटिज्म कहाँ लेके आए फिर। आप बोलते कि राजा का समय नेपोटिज्म का हाँ कॉन्सेप्ट मतलब था, मैंने वो जस्टिफाई नहीं कंपैरिजन किया हाँ समझ रहे हैं। जस्टिफाई नहीं किया। हाँ जब कंपैरिजन आपने नहीं किया, बता दिया कि इसमें होता है, आपने बोला कि टीपू सुल्तान नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने फिर सिर्फ ब्रिटिशर्स बोला। फोर्थ में लिखा है मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट सेम है जो पहला वाला है, इक्विपमेंट मॉडर्न वॉरफेयर सेम। फिफ्थ चलो सबसे बेस्ट पॉइंट हाँ मुझे लगा, फिफ्थ में लिखा है कि पर्सनैलिटी अच्छा था और नेशनल प्राइड, ये जो है ना ये अच्छा पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब बहुत अच्छा से सेटिस्फाई किया है। तो आपका दो पॉइंट मेन मिसिंग है, पहला वाला पॉइंट है कि फ्यूडलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उस समय का, उन लोग फ्यूडलिस्ट नहीं थे, नेशनलिस्टिक थे, दोनों में डिफरेंट है, मतलब जो ब्रिटिशर और इन लोग में। दूसरा पॉइंट हो गया लैक ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था वो, उसके अलावा आपका ठीक। और लास्ट में जो है ना, मतलब नीचे करें कंक्लूड करें, हाँ कंक्लूड में आपने बताया कि मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्या जरूरत है, तो आप जरूर मुझे लगा कि ना आप कुछ राइट भयानक अप्रोच। वाला पॉइंट बताएंगे होता ना, कि लेकिन लास्ट में आपने बता दिया राइट अप्रोच है मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी, मतलब आपने फिर वही वाला कमेटी वाला हल करी, कमेटी बनाएंगे या फिर डिसीजन लेंगे, मतलब आपने स्टार्ट किया था अच्छा से कि भाई हाँ, कि कंक्लूड बताता है कि मैन पावर जरूरी नहीं है और भी कुछ जरूरी है, तो बताएंगे कुछ दिखे नहीं, हाँ वो फिर वैसे ही लगा हमारा कि थोड़ा हाँ सार्कास्टिक हो गया ना। हाँ मतलब ऐसा आप लाते क्वेश्चन ना कि
एक होता है ना, आप लेके आते कि ब्रदरहुड नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट होता है, वो दिखा नहीं मुझे, वैसा आप लेके आते, वर्ड वर्ड मिसिंग था। आपका दो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो लीडरशिप फर्स्ट, बोला और हाँ नेशनल। हाँ बोले आप। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन ही एड्रेस किया, वही कंपैरिजन वाली चीज कंप्लीटली मिसिंग है, मतलब ऊपर ऊपर से पॉइंट्स लिख दिए। फर्स्ट पॉइंट मस्त लगा, अच्छा लगा, ट्रेडिशनल ट्रेंड और मॉडर्न वॉरफेयर। सेकंड पॉइंट यूनिफाइड कमांड टेक्निकल हो गया। थर्ड वाला मेरा हाँ इतना जस्टिफाई नहीं इम्पोर्टेंट हुआ। है। फोर्थ वाला सेम पॉइंट हो गया फर्स्ट जैसा। फिफ्थ वाला पॉइंट बढ़िया था। फिफ्थ वाला पॉइंट पहला रखते ज्यादा अच्छा। चलिए लास्ट, सचिन आप बता दो उसको। ये बोलो बेसिकली कि जो सेना की जीत में जनरल या जो सेनापति होता उसकी दूरदर्शिता, जो विजन होता उसकी भूमिका होती है। सैनिकों का मनोबल होता, लगातार अभ्यास होता, नगद वेतन दिया जा रहा था, हायरार्की थी, अनुशासन था, तो इन सब का ब्रिटिश की जीत में अहम योगदान था। नीचे एक्सप्लेन करा जीत के कारण कि जो आर्मी के जनरल थे जो अपॉइंट करे जाते थे वो अन्य देशों में बैटल फील्ड का अनुभव था, जबकि भारतीय रूलर आपस में लड़ते थे। इनकी डिवाइड एंड रूल की नीति थी, तो ये राज्यों को कमजोर करती, संधि करते और बाद में जीत लेते, जैसे सहायक संधि की नीति थी। आर्मी ब्रिटिश की लेकिन खर्चा कौन उठा रहा, भारतीय रूलर, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स का अपर हैंड था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिकों थे उनका ऊंचा मनोबल था, वह ब्रिटिश सेना दूसरे राज्यों को जीतने के लिए जा रही, जबकि भारतीय रूलर अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जा रहे। तो ऐसे में ब्रिटिश एग्रेसिव पॉलिसी थी, जबकि भारतीय रूलर डिफेंसिव मोड पे थे। तो उसका फिर हो गया तब ठीक है, मैं बताता हूँ। आपने पहला पॉइंट जो दिया है वो जस्टिफाई उतना नहीं करता, क्योंकि पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट है ना वो सेम है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं। और हाँ, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट था। सेकंड एंड फर्स्ट पॉइंट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और आपस में लड़ने वाला वो सेम पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट है ना वो बेस्ट पॉइंट है, कि आप बताना चाह रहे कि जो ब्रिटिशर का आर्मी का उसका खर्चा भारतीय उठा रहे थे। सही बात है, तभी तो ताकतवर ज्यादा हो रहे थे ना, और अपने हैं कि अपने खर्चा। हाँ थर्ड वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा, पहला दो पॉइंट सिमिलर है, और चौथा वाला पॉइंट में आपने बताया कि अपने ऊंचे जीत के लिए मनोबल जा थे, रहे ब्रिटिशर तो दूसरे राज को जीतने जीतने जाते थे, जबकि भारतीय रूलर अपने क्षेत्र में बचाने, तो जो बचाता है अपने आप को वो ना मरने के लिए काम करेगा, तो ये उल्टा हुआ था। पॉलिसी के साथ लड़ रहे हैं मतलब वो अगर आप बोल रहे कि अगर आप बना बता चाह रहे कि अगर कोई अपने अगर घर को रुकना है, घर को बचाना है, तो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। ऐसे राजपूत लोग थे वो 1600 या 1200 समय में, जाने दिए जौहर। उन्होंने, हाँ चाहे हाँ तो आप उन्होंने जो जाने बता रहे दिए। कि हाँ ऊंचे मनोबल कॉन्सेप्ट नहीं जरूरत रहता है इसमें, ठीक है। तो फोर्थ वाला पॉइंट की जगह आप बताते कमांड स्ट्रक्चर के बारे में बताते, जो प्रवेश ने बताया, या नेशनलिज्म को बताते। थर्ड पॉइंट यूनिक था आपका, जो किसी में नहीं था, हाँ वो किसी बता में, दीजिए जी, अब मेरे को प्रवेश बता ये लग दीजिए। रहा है कि 100% एफर्ट्स नहीं डाले आंसर लिखते हुए, तो थोड़ा सा फिलोसफिकल आंसर लिख देते हो। प्रवेश बता दीजिए। ये सहायक संधि की नीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सिडरी लाइन, सब्सिडी अलायंस अच्छा सब्सिडरी अलायंस। 1799 में लेके तो उतारा था वो। आर्मी ब्रिटिश की लेकिन स्वेच्छा भारतीय कलर खर्चा खर्चा भारत उठाते थे। उठाने। एक बार यार हाँ आप ही ऐसी बताओ, स्थिति मेरे को में कुछ और ही पढ़ रहा हूं मैं। मतलब बोलना चाह रहे हैं सब्सिडी अलायंस में आर्मी जो ब्रिटिश की थी ना वो खर्चा उसका भारतीय उठाते थे, क्योंकि पैसा तो भारतीय रूलर देते थे ना सब्सिडी अलायंस में, हाँ इसी कारण उनका ब्रिटिश का ऊपर हैंड था, वो बताना चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन रूलर से। तो ये हो सकता है ना, सही बात है कि पैसा ज्यादा रहेगा तो जीत सकते हैं, जब होने के लिए कम नहीं है उनके पास। मतलब थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब ये किस तरीके से जस्टिफाई होगा ना ये पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब सब्सिडरी उनके अलायंस फाइनेंशियल की। रिसोर्स ज्यादा है ना उनके पास। मतलब आर्मी अगर आपके पास, आपके घर से आपको बोल रहे हैं कि आप ही फंड करें वॉर मेरा, तो आप अपना फंड भी कर रहे हो और आप प्लस दे भी रहे आप मेरे को भी, तो आप हारेंगे ना अल्टीमेटली। तो मेरे पास फाइनेंशियल पावर ज्यादा रहेगा, वही बताना तो चाह रहे थर्ड पॉइंट। उसमें मेरे जो रूलर के पास जो मेरे सैनिक हैं उनसे कैसे कंपेयर हुआ ये? हाँ वो बस कभी कंप्लेन कंपेयर कर देते, लेकिन लिखिए अपर हैंड है, लेकिन एक कंपेयर करते बस एक लाइन कि ब्रिटिश के पास ज्यादा फाइनेंशियल पावर था तो ज्यादा वेपन्स खरीद सकते थे या ज्यादा आर्टिलरी खरीद सकते थे, इसलिए उनको वो जंग जीतते थे, ऐसा कुछ लिख देते। तो फिर
मतलब मैं ये कुछ बोलूंगी सब्सिडी मुझे रिलायंस का ऐसा लगता मेजर है कहीं ना फोकस कहीं एक स्टेट टेरिटोरियल अमेरिका एक्सपेंशन के पे साथ ही। सब्सिडी अलायंस है। हाँ बोले बोले यही मानसी, कहना ओके मैं बस यही कह रही थी कि मेरे हिसाब से मेरे को ये जो क्लैरिटी है सब्सिडरी अलायंस के बारे में कि मेन फोकस ब्रिटिशर्स का था कि वो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे फोकस करे थ्रू दिस अलायंस सिस्टम, रादर देन जो अभी मतलब जो प्रवेश बोल रहा था कि आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे फिट बैठता है। नहीं, सब्सिडी है 3-4 तरह का है जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, वो आपका इसी पर रहता है जो आप बता रहे कि टेरिटरी कैप्चर करना है बस। बाकी और भी तरह का सब्सिडी अलायंस है जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था कि भाई मैं आर्मी को तैनात करूंगा आपके राज्य में, आप उसका खर्चा उठाना, वो भी सब्सिडी अलायंस है। लेकिन नाम नहीं उसका, नाम दिया था वेस्टलिन कि ये कहलाता है, लेकिन पहले वो सब एक पार्ट है एक तरह से। ठीक तो एक पार्ट हो सकता। चले हो गया, ऊंचे मनोबल पॉइंट कर लेते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का ऊंचे मनोबल था, मनोबल अपने आप ही था, लेकिन आप बताते कि कैसे मनोबल होने के बावजूद भी हारे, वो आपको लेना चाहिए ठीक करता हूँ उसे इस। किसमें ही हाँ पॉइंट ये आ सकता है क्या कि क्या नाम है जो मतलब पता नहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेपोए थे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सर्व करना सेपोए के लिए और रूलर के अंडर सेपोए मतलब रूलर के अंडर काम करना सेपोए के लिए, तो मतलब दोनों में ज्यादा प्रेस्टीजियस और मतलब डिग्निफाइड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करना था, हाँ ये है, मानसिक लेके आई ये चीज यही तो लिखा था कि मैंने। कमर्शियल करियर प्रॉस्पेक्ट और ये सब लेके आई हो, वो सही बात है। तभी तो आप सबको जा रहे थे ना, आपने बताया, आपने बताया भी है, ड्रेस कोड भी है, एक प्रॉपर एक कमांड स्ट्रक्चर है, ब्रदरहुड फीलिंग है आपस में ऑफिसर के बीच में। मैंने बताया कि जो ऑफिसर लोग थे ना इंडिया के, वो आप बता रहे थे नेपोटिज्म था, तो एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट नहीं था, नेशनल आइडेंटिटी है कि भाई मैं ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा हूँ, जो ब्रिटिश का सिपाही और ब्रिटिश ऑफिसर के अंडर में था, मेरे को जीतना है किसके लिए, मदर इंग्लैंड के, और यहाँ पर था कि मेरे को जीतना किसके लिए, तो लोकल राजा या फिर उसके, एक प्रॉपर एक इंडिया कॉन्सेप्ट। तो वो बस, तो बात सही है आपका कि आप बोल सकते हैं चलो कौन सी दैट्स एंड ऑल, को। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।